हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ नारियल और पेठे के लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू व्रत के लिए तैयार करके रख सकते हैं और इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, लगभग 10 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। पेठे की मिठाई वाला जो पेठा होता है उसे हम ग्रेट करके रख लेते हैं। पेठे को हमने ग्रेट करके रख लिया है। ये मिठाई वाला पेठा है, वाइट कलर का पेठा जो मार्केट में रेडी मिलता है। ये नारियल का पाउडर है सूखा हुआ। थोड़ा सा नारियल का पाउडर एक्स्ट्रा हम डस्टिंग के लिए रख लेते हैं। ये है मावा और ये 4-5 इलायची को क्रश करके उसका पाउडर बना लिया है। मिक्सिंग बोल में हम सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पेठा, नारियल पाउडर, इलायची और मावा, इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम इवनली मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए किसी भी फोर्क, स्पून या फिर हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो गया है और अब ये हमारा लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इस मिक्सचर के हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मीडियम साइज के, लेमन साइज के हम इसके लड्डू बनाते हैं और जो नारियल हमने डस्टिंग के लिए रखा हुआ है, सूखा नारियल का पाउडर है, उसे हम इसके ऊपर लपेट करके रख देते हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू को रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है ये लड्डू बनाना और इस लड्डू को बनाने में हमें 5-10 मिनट लगते हैं बस। ये लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें हम सर्व कर सकते हैं। इन्हें अगर स्टोर करना है तो हम इसे एयरटाइट कंटेनर में, फ्रिज में 4-5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थी नारियल और पेठे के लड्डू बनाने की एक ईजी एंड क्विक रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।